जनवरी से नरेंद्र भाई तैयारी पे आ रहे हैं दोबारा और ऑफ सीजन पे हैं ये लगभग 1 साल से। उसके बाद भी इनके बाइसेप्स, और आप पूरा साइज देख सकते हो, 22 से 23 इंच का साइज है। एक साल में मैंने वही ये बात जो मैंने बता दिया ना कि बिल्कुल पहले जाओ डॉक्टर के पास, छेड़छाड़ मत करवाओ किसी भी अंग के साथ भाई, ठीक है, जो भगवान ने बना के भेजा है ना उसके साथ छेड़छाड़ मत करवाओ। नेचुरल तो नेचुरल ही नेचुरल तो है। नेचुरल कोई नहीं जोड़ पाएगा कितना भी अच्छा डॉक्टर हो। देखो मैंने पहले ही कहा था सप्ली का मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो शीट भर जाती है तो सब मैडम सब चिल्लाते हैं मैडम सप्ली सप्ली हाँ का मतलब होता है आपकी वो शीट पूरी हो गई है, अब आपको दूसरी शीट चाहिए एक्स्ट्रा लिखने के लिए। जब मुझे पता मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा तो जरूरत नहीं तो है जरूरत है उसकी। ही नहीं तो मैं बिल्कुल क्यों लूं। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियंस। आज हमारे साथ जो एथलीट हैं वो नरेंद्र भाई हैं, जिन पूरी दिल्ली पुलिस का जो प्राउड है वो है, इंडिया के लिए प्राउड बने हुए हैं वो हैं। और हमारे चैनल पे जो सबसे पहले इंटरव्यू आया था, जिस एथलीट से हमने आपको मिलवाया था, वो नरेंद्र भाई थे। तो आज फिर नरेंद्र भाई के पास आए, नरेंद्र भाई से आज पूछेंगे डाइट के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस। तो नरेंद्र भाई, राम राम। राम 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 भाई, आपने भी राम 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 भाई, भाई। बोल भाई, और आपके सारे दर्शकों ने राम राम भाई। तो नरेंद्र भाई पिछले 1 साल से भी लंबे टाइम से ऑक्सीजन पे हैं, तो नरेंद्र भाई इतना ज्यादा ऑक्सीजन पर रहने का क्या कारण है? भाई कारण ये है, वहां काफी लंबा टाइम हो गया ऑफ सीजन में, क्योंकि मैं 2016 से जब कराया था तो 2016 से 2021 तक मतलब बगैर ऑफ चला था, हर साल खेल रहा था मैं। लेकिन 2000 जब शेरू क्लासिक खेला था मैंने तो मेरी थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन खराब हो गई थी, लेकिन पता नहीं उससे पहले ये कह लो कि क्या हो गया, मतलब इंजरी ने घेर लिया मैं, थोड़ी बहुत हो गई थी, वो डिहाइड्रेशन हो गया था उसमें, फिर मैं फाइनल खेल नहीं पाया था। फिर उसके बाद फिर आके मैंने थोड़ा 1 महीने का रेस्ट दे दिया, उसके बाद जब स्टार्ट किया तो मेरी नी इंजरी हो गई थी, लेकिन वो था वो 1 महीने में रिकवर हो गई थी। फिर जैसे ही स्टार्ट किया 15 दिन बाद मेरी बैक इंजरी हो गई, बैक टू एस फोर, बैक। हाँ बैक टू S4 S5 में दिक्कत हो गई। फिर उसको लग गए 2 2.5 महीने उसमें लग गए, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट किया, फिर उसके 15 20 दिन बाद मेरी राइट शोल्डर में इंजरी हो गई, फिर उसको 1 1.5 महीना लग गया। फिर जैसे ही स्टार्ट किया ये जो नी इंजरी थी वो ठीक नहीं हुई थी शायद, वो दोबारा हो गई और फिर उसमें ही लग गया। अब काफी हद तक रिकवर है, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया इसी वजह से कि भाई एक पूरा कंप्लीट रेस्ट देता हूँ, सीजन तो ऑफ हो ही गया है मेरा सारा, तो पूरा ऑफ दे के होपफुली कि जनवरी से मैं तैयारी करने लग जाऊंगा दोबारा नरेंद्र से, भाई फिर भगवान ने से चाहिए तो। अब अब की बार कोई इंजरी नहीं होगी, पूरा ध्यान दे के चल रहा हूँ मैं अभी बार। हाँ जनवरी से नरेंद्र भाई तैयारी पे आ रहे हैं दोबारा और ऑफ सीजन पे हैं ये लगभग 1 साल से। उसके बाद भी इनके बाइसेप्स, और आप पूरा साइज देख सकते हो, 22 से 23 इंच का साइज है। तो नरेंद्र भाई ऑफ सीजन में रहने के बाद भी आपकी ये क्या डाइट हाँ रही पूरा जिससे ऑफ आपके सीजन मसल बिल्डअप है ऐसे की ऐसे? देखो ये सारा खेल, जो पहले भी मैंने जो आप पहले इंटरव्यू लिया था उसमें बताया था, सारा खेल डाइट का है, ये नहीं जरूरी भाई ये लेना वो लेना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, पहले डाइट पे तो रहते थे सारे, हमारे जो दादा है परदादा है बिल्कुल वो बिल्कुल सारे नेचुरल डाइट पे रहते थे, और हमारे यहाँ तो बहुत सोर्स है, गाँव का माहौल है, ये भी नहीं मिलेगा कुछ, घी नहीं मिलेगा दूध नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ शेड्यूल वही रहा मेरा, देखो 1 साल हो गया है मुझे, 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन मैंने मतलब डाइट का नियम कभी नहीं छूटा ना, वर्कआउट, वर्कआउट का तो सर छूट गया था क्योंकि बैक में तो पूरा रेस्ट दिया था, क्योंकि बैक में ना आप लोअर पार्ट कर सकते हो ना आप अपर कर सकते फुल हो, रेस्ट लेना है बैक तीन में तो। महीने का मैंने फुल रेस्ट मतलब भूल गया था मैं। तो नरेंद्र भाई, जब इतना एक साल में आपकी इंजरी हुई, आप बैक में जैसे आपका तो 3 महीने आप रेस्ट दिया, तो उस दौरान तो 3 महीने में जो नॉर्मल आदमी होगा और बेड पे रह लेगा, तो उसका तो वेट इतना बढ़ जाएगा कि डिसबैलेंस हो जाएंगे सब नहीं चीजें। नहीं हुआ था मेरे साथ भी हुआ था, जब दो 3 महीना बैक इंजरी का था जो रेस्ट लिया था उसमें थोड़ा सा हो गया था, लेकिन हाँ कि भाई अब इतना तो ज्ञान हो ही गया है कि भाई क्या डाइट लेनी है किस वक्त क्या, भाई जैसे शेड्यूल है उस हिसाब से आप डाइट को थोड़ा सा अगर आप मेंटेन रखोगे ना, खैर लॉस तो मेरे नुकसान तो हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ कि भाई पूरा ही डामाडोल हो जाए यार, कि ये डाइट थोड़ी खींच ली क्योंकि भाई थोड़ा बेड पे ही ज्यादा रेस्ट रहा, थोड़ा घूमना था बस, शाम को सुबह मैं थोड़ा सा घूमता था, उस हिसाब से प्रोटीन डाइट रखी, कार्ब मतलब थोड़ा लो ही कर दिया था मैंने बिल्कुल। तो जब इंजरी हो गई और आपके बेड पे रहे, तो कार्ब लो और प्रोटीन थोड़ा सा।
नहीं कार्ब थोड़ा, प्रोटीन जैसा तैसा मेरा जितना था ना उतना ही चलता रहा प्रोटीन। कितना प्रोटीन ले लेते हो आप एक दिन में? तो देखो जैसे वर्कआउट नहीं कर रहा था मैं उस टाइम पे, तो मेरा था 250 ही करीब करीब रहता मतलब नॉर्मल भी वे नॉर्मल आदमी की लाइफ में भी 250 ग्राम प्रोटीन आप था। हाँ वो, लेकिन सप्लीमेंट से लेना छोड़ दिया था मैंने, चिकन पूरा डाइट से लेता था। अंडे अनाज हाँ जो भी है, वनाज हाँ दूध दाल जितना भी है इनसे। हाँ ये सप्लीमेंट देखो अब तकरीबन तकरीबन 1 साल हो गया सप्लीमेंट भी ज्यादा यूज नहीं किया, मतलब नरेंद्र जो भाई इतनी प्रैक्टिस, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था सप्ली का मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो शीट भर जाती है तो सब मैडम सब चिल्लाते हैं मैडम सप्ली सप्ली हाँ का मतलब होता है आपकी वो शीट पूरी हो गई है, अब आपको दूसरी शीट चाहिए एक्स्ट्रा लिखने के लिए। जब मुझे पता मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा तो जरूरत नहीं तो है जरूरत उसकी है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल। क्यों लूं। मैं ये संदेश जो मेरे छोटे भाई है उनको देना चाहता हूं कि जब आपका वर्कआउट, भाई मैं जब 2.5 घंटा वर्कआउट करता हूं तब मैं ये चीज लेता हूं, अब मैं तो वर्कआउट ही नहीं कर रहा, अब ये चीज लेने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं नहीं है तो मत लो। तो अननेसेसरी डाइट का भी बहुत ज्यादा खाना, जितनी पहले आपकी नीड है आपकी बॉडी को जरूरत है, पहले आप जो भी नीड है ना आप उसको नेचुरल पूरा करने की सोचो। घर की रसोई से खाओ, घर हाँ में खाओ अपना। हाँ अगर फिर भी आपकी बॉडी में जैसे थकान होती है, जैसे मतलब बॉडी बता देती है ठीक सोरनेस है है क्या? सो, हाँ दूसरे दिन परफॉर्म नहीं कर रही है, पंप नहीं आ रहा, तो वो बता देगी बॉडी आपकी, फिर आप ले लो जो भी आपको लेना है, भाई क्या चीज़ की कमी चल रही है उस हिसाब से आप सप्लीमेंट ऐड कर लो। नरेंद्र भाई पिछले 1 साल से ऑक्सीजन पे है, हमने आपको बताया। सप्लीमेंट उन्होंने सिर्फ बहुत ही कम यूज किया है पिछले 1 साल में, पूरा का पूरा सप्लीमेंट जो जैसे बैक इंजरी में नहीं लिया, नी इंजरी में भी मैं इतना वर्कआउट नहीं कर पाता, तो बैठ के जो भी कर लिया वो कर लिया ठीक है, हैवी जो वर्कआउट भी तो हो ही नहीं नहीं पाया। नहीं पूरे हैवी ये वर्कआउट जो किया ही नहीं मसल्स मैंने। होल्ड रखे हुए हैं नरेंद्र भाई ने पिछले 1 साल से बेड पे होने के बावजूद, ये सिर्फ और सिर्फ घर की नेचुरल डाइट से रखे हुए हैं, और चिकन वगैरह चिकन ब्रेस्ट खाने के रख रखे हैं, हाँ फिश चिकन खाई चिकन को चिकन देखो, ब्रेस्ट प्रोटीन खाया, आप अपना प्रोटीन रखो, डाइट भाई ने ली है। दिन में 1 ग्राम ऑफ-सीजन पे होने के बाद भी 250 ग्राम प्रोटीन एक बार में भाई लेते हैं पूरे दिन में। इसका मतलब यह है कि नेचुरल सोर्स से भी वो हमारे यही मिथ फैली हुई है नरेंद्र भाई की सप्लीमेंट लेना जरूरी है। सप्लीमेंट सप्लीमेंट लेना बिल्कुल है पर तब जब आप प्रेप कर रहे हो या आप लोग कंपटीशन हाँ खेलना हो ये कह कोई। लो कि मेंटेन के लिए जो मैंने लिया है सप्लीमेंट नहीं, आप मेंटेन, या आप मेरी ये बात मान लो, चलो ये बात नहीं भी मानते भाई ग्रो, क्योंकि ग्रो तो मैंने देखो किया ही नहीं, मैं बिल्कुल स्टेबल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। मेंटेन के लिए तो आप नेचुरल डाइट से कर सकते हो, आप जो भी आप है, स्टेबल रहना है आपको तो बिल्कुल नेचुरल डाइट से रह सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने करके देखी है। अच्छा नरेंद्र भाई, 3 इंजरी बता दिया आपने, पहले हाँ मैं नी में हुई, फिर बैक में, और फिर शोल्डर में भी हो गई। देखो तो इंजरी के बारे में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिथ है कि यहाँ जाओ ये करो वो करो ये कर लो, इस डॉक्टर के पास ले जाओ सर्जरी करवा लो, और आपको भी पता होगा कि सर्जरी करवा लो ये। तो ये बताओ कि वो जो प्लेट आपका वो था उस टाइम जो आपका बुरा वक्त बीता है इंजरी का, क्योंकि तो एक एथलीट के लिए तो बहुत बुरा वक्त होता है जब इंजरी हो जाती है तो स्टेज पर चढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए तो काफी दुखदायी पल है वो। तो उन दिनों में आपने कैसा महसूस कर, कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ गए, कैसे ठीक हुई तीनों इंजरी, वो है मेन बात। देखो एक एथलीट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंजरी। बिल्कुल, और होगी भी जरूरी। हाँ वो जो होगी जरूरी है, बस ये है कि उससे बचना कैसे है। देखो हम है ना लापरवाही कर देते हैं, हर चीज के सिग्नल आते हैं, हमारी ये बॉडी है हर इंजरी को हर ऑर्गन के बारे में बताती है, लेकिन हाँ मैं उसको कितना पकड़ते हैं बॉडी ठीक है, इंडिकेशन देती है बिल्कुल 100% जिसका भी होगा इंडिकेशन देगी, बिल्कुल। और हम कई बार सोचते हैं नहीं ठीक है थोड़ा बहुत करेंगे ठीक हो जाएगा। बैक इंजरी हुई थी जब मेरा होया था, पता लग गया था कि हाँ कुछ है, लेकिन नहीं मैं करता रहा, फिर एक दिन ऐसा होगा मैं मोटिवेट ज्यादा हो गया कि नहीं यार तो डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है वन ड्यू की ऐड देख ली भाई बस ये दिखी ठीक है, डर के ज्यादा आगे जीत यार मैंने खींच दिया यार, फिर उसके बाद बैठ गया हैवी वेट कर मतलब लिया। हाँ कि यार बिल्कुल हैवी मारूंगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई, दर्द के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करो, उसका ट्रीटमेंट करो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है तीनों चोटों का, मैं अपना इंजरी का निचोड़ बता देता हूँ क्या निचोड़ है भाई। पहले जाओ डॉक्टर के पास, सबसे पहला काम सबसे पहला काम डॉक्टर के पास, डॉक्टर की जो भी ट्रीटमेंट देता है उसको फॉलो करो, जो भी बताता है उसको प्रॉपर
प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक नहीं होती। लेकिन उसके बाद अगर डॉक्टर सर्जरी की बता देता है, जैसे मेरे दोनों में बता दी थी, कि सर्जरी शोल्डर में तो करवानी नहीं है, बताई थी, बैक बैक में ही में बता दी थी, और नी में नी ही में बता भी, दी थी, भाई छेड़छाड़ मत करवाओ अपने शरीर के साथ। एक बिल्कुल बार शरीर खुल गया, मैंने मेरी बात पर विश्वास मत करो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी जो अपने यारे प्यारे ना उनसे पूछ लो, एक बार बैक का ऑपरेशन हो गया ना, वो कभी ठीक नहीं पुराने होगा। एथलीट है हमारे बहुत, जिन्होंने करवा रखा है वो दोबारा स्टेज पे चढ़ नहीं पाते। शरीर के साथ छेड़छाड़ करो मत, ना करो ना करवाओ, ठीक है। ऑपरेशन बिल्कुल मत करो। हमारे देश में है ना आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया दवाई मिलती है, हर के आप देखोगे इधर उधर मिल जाएगी आपको, उसके साथ अपना ट्रीटमेंट करवाओ, 100% ठीक होगा। और बैक इंजरी का तो हमारा आयुर्वेद ही इलाज है, लेकिन डॉक्टर तो सीधा ऑपरेशन करेगा और फिर वो कभी कभी ठीक नहीं होगा। भी वो तो रिकवरी होती ही और नहीं ये है। भी कंडीशन है, अगर आप आयुर्वेदिक या देसी दवाई वालों पे आ जाओगे ना, अगर आपने ऑपरेशन करवा रखा है, उनकी दवाई वो छेड़ेंगे ही नहीं, उसको बिल्कुल उनके पहली शर्त यह है कि उसको छेड़ा छाड़ी ना हो रखी उसके साथ। इंग्लिश ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए अगर हाँ, नहीं आयुर्वेदिक में, ट्रीटमेंट हो, टेबलेट के साथ हो या वैसे कोई थेरेपी वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन ऑपरेट कर दिया ना उसको, फिर वो आयुर्वेदिक वाले नहीं कंसीडर करते फिर। तो अपना आयुर्वेदिक से आपने अपने लोअर बैक को ठीक किया, हाँ, लोअर बैक को भी, नी को भी, शोल्डर को भी। तो आयुर्वेदिक में कहाँ गए भाई आपकी बाकी बाकी एथलीट भी देख रहे हैं आपको इंडिया भर में, तो और बाकी स्टूडेंट भी हैं आपके, और आपके बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो आपको ही फॉलो करते हैं, तो इन तीनों का बताओ कि नी पेन में देखो, आपने, नी से स्टार्ट करते हैं हम कि नी पेन में जब दर्द हुआ आपके सबसे पहले, तो नी के लिए आपने क्या किया ठीक करने के लिए। नी का तो मेरा पहले था, माइनर सा था, ठीक है, वो तो मेरा हुआ थेरेपी से, ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक है, फिजियोथेरेपी कराई थी, क्योंकि कई बार है ना नी पे पेन कई बार हो जाता है, ये मसल हमारी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है हैमस्ट्रिंग ना। मसल खिंच गई हाँ अगर, या क्वाड्रिसेप्स फंस गई तो नी पे हाँ लोड आ जाता है, बिल्कुल। ये होता है, तो उसने करा था, उससे हो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हुई मेरी बैक इंजरी। बैक इंजरी भाई साहब, एक सरिता भी हो रहा है, सरिता भी आ रहा है डॉक्टर, ठीक है, वो दोनों देता है देख के। उसके पास जाओगे ना तो MRI कुछ की जरूरत नहीं है, वो उंगलियों पैरों की उंगली से बता देता है कि आपकी स्पाइन में कहाँ दिक्कत है। डॉक्टर है डॉक्टर है, मतलब वैसे सरिता हेड विहार में डॉक्टर। है। हाँ, हाँ मैं बोला सर ये मैंने वो MRI करवा रखा है, बोला अरे इसको साइड में, उसने जुत्ती निकलवा के और पैरों की उंगली के बीच में ये नोज S4 S5 में दिक्कत है, बोला अब दिखा दे, रिपोर्ट वही थी। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, उन्होंने एक तेल दिया था शायद, उसकी मालिश थी, और उसका कुछ सिकाई वगैरह बस, सिकाई है अलग सी, ठीक है, वो अलग वहीं से करते हैं वो। नहीं, घर के लिए बता देते हैं, पहले करते भी हैं घर के लिए बता देते हैं, भाई ऐसे ऐसे करना है, कुछ दवाई भी देते हैं, पेन किलर नहीं देते, वो भी पेन किलर, वो ऐसा डॉक्टर है जिसके पास भी गया उन्होंने भिड़ते पेन किलर देते हैं सबसे डॉक्टर, पहले डॉक्टर, हाँ कि वे दर्द और कम हो हाँ पेशेंट उसने का, मना कर दिया, मतलब पेन किलर बंद, पेन किलर खाओगे तो मेरा असर कैसे दिखेगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं, ठीक हो रिकवरी का रहा है कैसे नहीं हो पता रहा, कितना लगेगा। ठीक हो रहा है, कि भाई बिल्कुल आज मेरा 100% दर्द है, कल 80 आएगा, 70 आएगा, बोला इतने एक दो दिन तो सहन करो इसको, और आज ठीक है। तो कितने मैं दिन का, मैं कितने दिन का प्रोसेस लगा ये पूरा का पूरा जो बैक इंजरी हुई बैक भाई। इंजरी थी जिसमें कि है डॉक्टर ने बता दिया था मेरा 3 महीने का, और उसके बाद भी बोला ठीक नहीं होगा तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, उस डॉक्टर साहब ने, उसने मेरा 1.5 महीने में ओके कर दिया था, बोला कुछ भी एक्सरसाइज कर, कुछ भी उलट पलट, कुछ सी पलटी मार, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो मेरे पास आ जाना। 1.5 महीने में कितनी बार गए नरेंद्र भाई वहां पे आप, डॉक्टर के पास कितनी अटेंडेंस लगाई। शुरू में तो वो एक दिन छोड़ के, तीन तीन दिन, 2 दिन तो बुलाया लगातार, फिर एक दिन छोड़ के, एक दिन बुलाया 2 बार, फिर 5 दिन छोड़ के बुलाया, फिर 15 दिन छोड़ के, तो वहां पे, फिर दोनों बोला जब इस दवाई का, तो 15 दिन की दवाई दे दी, फिर 15 दिन तो बाद। वहां भी थेरेपी करते थे वो, होट वोट ऐसे कुछ नहीं करके नहीं वो सिकाई विकाई। तेल तेल था उनका, और एक वो था कुछ जैसे हम ओमनी जेल वगैरह नहीं लगाते, वो अच्छा रोलर 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 से उनका रोलर वाली जेल होती है, वैसा कुछ था उनका। ही है, खुद का ही बनाते नहीं हैं वो दे अपना, भी देते दे हैं कि देते घर हैं। में, वो दिन में 6 बार लगाना होता है मालिश, वो सिकाई 2 बार करनी होती है।
कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदिक में अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ सब है, चीज का, सब चीज का इलाज है, सब सब चीज चीजों का। नरेंद्र भाई का खुद का एक्सपीरियंस है इस दोस्तों, एक साल में मैंने वही ये बात जो मैंने बता दिया ना कि बिल्कुल पहले जाओ डॉक्टर के पास, छेड़छाड़ मत करवाओ किसी भी अंग के साथ भाई, ठीक है, जो भगवान ने बना के भेजा है ना उसके साथ छेड़छाड़ मत करवाओ, नेचुरल तो नेचुरल ही नेचुरल तो है। नेचुरल कोई नहीं जोड़ पाएगा, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो वो नहीं जोड़ पाएगा। और सच भी है, आज से हजारों साल पहले कहाँ डॉक्टर वगैरह हुआ करते, 500-700 साल पहले ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तो उस टाइम भी तो इंसान अपना आप ठीक होता था। पर आयुर्वेदिक का तो बहुत पुराना इतिहास है। बिल्कुल 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 तो नरेंद्र भाई, इंजरी हुई आपके और आदमी ठोकर खा के ही संभलता है, ये एक हमारी पुरानी कहावत है। तो अब आप ये बताओ दर्शकों को, नए बच्चों को जो वर्कआउट कर रहे हैं, पुराने एथलीट हैं वो भी, कि इंजरी से बचने का रीजन सबसे बढ़िया कैसे बचे इंजरी से बचने का यही आदमी। रीजन है, बचने का यही एक तरीका है कि भाई जैसे ही आपको लगे कि हाँ यहाँ दिक्कत है तो उस छोड़ दो, आप उसको ज्यादा मतलब दर्द को चेक मत करो ड्यू कि वाला आज का कितना है कल कितना है, पहले आप उसका ट्रीटमेंट कराओ, चाहे डॉक्टर के पास जाओ चाहे देसी जाओ, पहले आप उसको ठीक करो फिर आगे बढ़ो, वरना आगे इतनी दिक्कत हो जाएगी आपको गेम भी छोड़ना पड़ सकता वो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे है, धीरे 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 धीरे। बढ़ती रहेगी। तो मैंने ये देख लिया ना, मैंने वो एड देख ली डर के बाद जीत है उससे, ने तो करवा दिया नाश तो भाई चेक मत करो दर्द को, बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, अपना ट्रीटमेंट कराओ फिर आगे बढ़ो।